अवैध शराब सहित शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के शिकारपुर कार्रवाई कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बीती रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान शिकारपुर में शराब तस्कर को अवैध शराब सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिसके बाद शिकारपुर कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात्रि सलेमपुर तिराहे पर तेज गति से एक कार आती हुई देखी। जब उसे रोका और चेकिंग की तो उसमें 30 पेटी क्रेजी रोमियो पंजाब मार्का बरामद हुई। वहीं सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर का नाम विकास राठी पुत्र वीरेंद्र राठी निवासी छज्जर हरियाणा का है, जो पानीपत से शराब को लेकर बुलंदशहर से जहांगीराबाद डिबाई क्षेत्र में शराब की तस्करी के लिए जा रहा था, जो कि उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बाइट कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार, रिपोर्ट समीर खान, एनडीटीवी ब्यूरो चीफ, बुलंदशहर। ये श्रीमान अध्यक्ष महोदय के आदेश से जो है चेकिंग चल रही थी जी शाम को, तो उसी दौरान में जो है हम लोग मैं फोर्स के जो है मैं सलेमपुर तिराहे का चेकिंग कर रहा था जी, तो बुलंदशहर की तरफ से जो है एक बड़ी तेजी से जो है गाड़ी आती दिखाई थी, उसे हमने टार्च मार के जो है रोका तो वो जो है छकवा अपने पीछे एकदम जो है बैक करी, लेकिन हमने घेर घोट के उसको वहीं पकड़ लिया। कितनी पेटी बरामद हुई? उसमें 30 पेटी जी। 30 पेटी बरामद हुई है? हाँ, कौन सी ब्रांड है सर? ब्रांड है क्रेजी, क्रेजी रोमियो। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहा था ये बता रहा था, मैं जो है सोनीपत पानीपत से के रास्ते से आया था जी, और लेकर के जो है ये दिवाई जहांगीराबाद इधर क्षेत्र में जो है सप्लाई। अच्छा, बेचने के लिए जा रहा था? सर सप्लाई के लिए जो है सप्लाई जो है करता चले जाए।